माँ ने मुझे व्हाट्सअप करना, फिर टाइम एलोकेट करा दूंगा, ठीक है बेटा? जी आप लॉग इन भी करें, ठीक है, लुक एट मी। हमने लास्ट क्लास में स्टार्ट किया था मनी बैंकिंग, मनी बैंकिंग, और बताया था मैंने, प्लीज पहले पता है 2-3 दिन का वार्म अप होगा, टेस्ट होता है, देन सेशन स्टार्ट। सेशन में बताता है चैप्टर 6 मार्क्स का है, 6 मार्क्स का चैप्टर है, 3-3 के 2 आते हैं या 1-4 का, 1-1 के 2। ओके, क्वेश्चन ही 4 है, मनी सप्लाई मेजर, आरबीआई के फंक्शन, क्रेडिट कंट्रोल, क्रेडिट क्रिएशन। मनी सप्लाई मेजर, क्रेडिट क्रिएशन, क्रेडिट कंट्रोल, आरबीआई के फंक्शन। टेस्ट, फिंगर ऑन द चैट बॉक्स, आरबीआई का कानून कब बना? 34। सबने बोला क्या पढ़ा था लास्ट क्लास में? सोया तो नहीं था मेरी क्लास के अंदर। कानून 34, स्टार्ट 35, कानून 34, स्टार्ट 35, गवर्नमेंट ने टेक ओवर करा 49। अच्छा, गवर्नमेंट खरीदती है नेशनलाइज्ड और प्राइवेट को बेचती है प्राइवेटाइज्ड। गवर्नमेंट खरीद लेती है नेशनलाइज, गवर्नमेंट प्राइवेट को दे देती है प्राइवेटाइज। सचिन सर ने बताया था नेशनलाइज प्राइवेटाइज दोनों आपस में अपोजिट शब्द है। अगर सरकार खरीदती है प्राइवेट से, नेशनलाइज प्राइवेट को दे देगी प्राइवेटाइज, है ना बेटा? ठीक है, कानून 34, स्टार्ट 35, नेशनलाइज 49। ओके, अच्छा हेड ऑफिस कहां पे है? किसका? आरबीआई। बहुत थोड़ी वॉल्यूम कम, वॉल्यूम कम, वॉल्यूम कम। साथ क्लास चल रही है, आपकी आवाज रिकॉर्ड ना हो लेकिन बोलना सबने है। हेड ऑफिस मुंबई, ब्रांच ऑफिस दिल्ली, मुंबई, कोलकाता चेन्नई। हेड ऑफिस मुंबई, ब्रांच ऑफिस दिल्ली, मुंबई, कोलकाता चेन्नई। तो हेड मुंबई में हेड भी है, ब्रांच भी है। मुंबई में हेड भी है, ब्रांच भी है। ओके, गवर्नर कितने? गवर्नर एक। कुछ भी बोल दे, कुछ भी बोल दे, ठीक है बेटा, चलेगा। गवर्नर एक, डेप्टी गवर्नर 4, गवर्नर एक, डेप्टी गवर्नर 4, और इनका टाइम पीरियड 3 इयर्स। जो गवर्नर होता है, डेप्टी गवर्नर होता है, 3 इयर्स। कितनी बार अपॉइंट हो सकते हैं? 2 टाइम्स। गवर्नर 2 बार, डेप्टी 2 बार, ठीक है जी। सेशन स्टार्ट नाउ, रेडी, सेशन स्टार्ट नाउ। जी सचिन सर ने बताया था आपको बेटा, मुझे सिर्फ आज लर्न करवाने हैं आरबीआई के फंक्शन, आज एक ही करवाना है टिप्स पे। जी आरबीआई पे मैंने नाम लिखवाए थे फंक्शन के, करेंसी इशू, बैंकर टू बैंक, बैंकर टू गवर्नमेंट, कस्टडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, क्रेडिट कंट्रोल, कलेक्शन एंड पब्लिकेशन ऑफ डेटा। करेंसी इशू, बैंकर टू गवर्नमेंट, बैंकर टू बैंक, कस्टडियन ऑफ, कस्टडी से बन गया कस्टडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, कलेक्शन, पब्लिकेशन डेटा, और सबसे मेन फंक्शन होता है क्रेडिट कंट्रोल। नोट छापना मेन नहीं होता, कल की बात याद है, नोट छापना मेन नहीं होता, सबसे मेन होता है क्रेडिट कंट्रोल। सचिन सर ने बताया था अगर देश में ज्यादा पैसा हो जाएगा, फजूल खर्ची कम होगा, सारे काम धंधे रुक जाएंगे। क्यों बेटा? ज्यादा है हम लोग फजूल खर्च करेंगे, कम होगा तो ना ज्यादा हो ना कम हो, मॉडरेट, ये मेन काम है आरबीआई का। चलिए जी कहानी शुरू होती है अब।
इशू ऑफ करेंसी, बैंक ऑफ इशू, ध्यान बोर्ड में रखना, ओके। कृष, उदय, रीति, निशीत, साक्षी, आरबीआई, बेटा ध्यान दियो, आरबीआई सारी करेंसी छापता है दो करेंसी छोड़ के, सारी करेंसी आरबीआई छापता है दो छोड़ के, एक रुपए का नोट, एक का नोट और सारे क्वाइन, एक का नोट, एक का नोट, सारे क्वाइन, प्लीज क्वाइन 25 पैसे का बंद हो चुका है, 50 का बंद हो गया, इस समय जो क्वाइन चलता है एक का, दो का, पांच का, दस का, बीस का भी है, बीस का भी है ना, 50 पैसे का क्वाइन, 25 पैसे का किस जमाने की गल कर रहे हो, एक रुपए का क्वाइन, दो का क्वाइन, पांच का, दस का, बीस का, कल को क्वाइन 100 रुपए का आएगा, लाख रुपए का आएगा, नहीं आरबीआई नहीं, एक का नोट क्वाइन आरबीआई नहीं, ये छापता है फाइनेंस मिनिस्ट्री, फाइनेंस मिनिस्ट्री, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मैं बात कर रहा हूं 1000 साल पुरानी, अभी ये बात कर रहा हूं, अच्छा सुनो ना यार, एक का नोट क्वाइन आरबीआई नहीं प्रिंट करता, फाइनेंस मिनिस्ट्री, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एक के नोट पे, अच्छा सर ये क्यों कर रखा है, लतिका थोड़ा वर्कलोड शेयर हो जाएगा, बाकी नोट दो, पांच, दस, बीस, पचास, सौ, दो सौ, हजार, नहीं हजार का तो आता नहीं, अब 2000, दो, पांच, दस, बीस, पचास, सौ, दो सौ, 2000 का नोट आरबीआई, 500 तो जानता है, ठीक है बेटा, दो, पांच, दस, बीस, पचास, सौ, 200, 500, 2000 का नोट आरबीआई, ये दो फाइनेंस मिनिस्ट्री क्यों छापती है, अंशु थोड़ा वर्कलोड शेयर कर रखा है यार, 95% तू छाप रहा है तो 5% उसे क्यों दिया है, थोड़ा वर्कलोड शेयर कर रखा है, एक का नोट आप, क्वाइन आप, कल मैं बोला कल को 1,00,000 का नोट भी आएगा, क्वाइन आएगा बहन, तो वो भी वही, ये नहीं कि बड़ी डिनोमिनेशन का क्वाइन आएगा तो मैं छापूंगा, एक और मैं गलत वर्ड बोल रहा हूं, आराम से सुनियो, मार्क्स नहीं कटते, इंप्रेशन पड़ता है एग्जामिनर, एग्जामिनर पे, जब नोट को बोलते प्रिंट, क्वाइन को बोलते मिंट, नोट प्रिंट, ओहाना हो गए चार भी पुत्र, नोट प्रिंट, क्वाइन मिंट, क्योंकि मिंट होता है ढालना, प्रिंट छापना, नोट छपेंगे, समझ रहा ना, नोट छपेंगे ते क्वाइन ढलेंगे, वो तो मेटल है, समझ गई, तो तू क्या लिखेगी, नोट प्रिंट, नोट प्रिंट, क्वाइन मिंट, भूलेगा नहीं, ओके अंशुल याद कर, एक का नोट फाइनेंस मिनिस्ट्री, क्वाइन फाइनेंस मिनिस्ट्री, दो, पांच, दस, बीस, पचास, पांच सौ, दो सौ, दो हजार, पांच सौ, नोट आरबीआई, क्वाइन पे सिग्नेचर नहीं होते, घर पे जाके देख लियो, क्वाइन के दोनों साइड सिग्नेचर नहीं होते, एक के नोट पे पिटाई हो जाएगी, ध्यान रख लियो वर्मा साहब, एक के नोट पे सिग्नेचर होते हैं फाइनेंस सेक्रेटरी, फाइनेंस मिनिस्टर नहीं बोला, फाइनेंस सेक्रेटरी, क्या बोला, फाइनेंस मिनिस्टर का जो पीए होता है उसे फाइनेंस सेक्रेटरी बोलते हैं, मिंट वाली बात बताता हूं दोबारा, फाइनेंस मिनिस्टर का पीए फाइनेंस सेक्रेटरी, फाइनेंस सेक्रेटरी, पहले सीक्रेट लिख, फाइनेंस सेक्रेटरी के साइन होते हैं, हाँ एक के नोट पे, घर पे एक का नोट पड़ा है उस पर देखियो, फाइनेंस सेक्रेटरी के सिग्नेचर होंगे, देख लियो,
ठीक है ना। देखो बेटा, एक का नोट, दो का, पांच का, दस का नोट थोड़ा कम आता है, तो बताता हूं। एक का नोट, दो का, पांच का, दस का, हम लोग नोट कम क्वाइन ज्यादा चलाते हैं, क्योंकि बेटा क्वाइन ड्यूरेबल है। नोट के लिए हमें पेड़ काटने पड़ेंगे, डिफॉरेस्टेशन, ओके। छोटी डिनोमिनेशन, एक का नोट, दो का, कहां दो का नोट दिखती है इतनी फ्रीक्वेंट? सही कह रहा हूं, एक का नोट, दो का नोट, पांच का, दस का, बीस का भी कब हो देगा बहन, कब हो देगा? क्वाइन 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 ड्यूरेबल है, नोट कट फट जाएंगे, फिर पेड़ काटने पड़ेंगे पेपर के लिए। जी रिप्लाई लतिका, ऑनलाइन भी वही स्लो, यहां पर भी स्लो, कीप इट अप। मैं बता रहा था, नोट को बोलते प्रिंट, नोट को प्रिंट, क्वाइन को मिंट, नोट प्रिंट, नोट प्रिंट, क्वाइन मिंट, क्योंकि जो मेटल छपती नहीं है, ढलती है। नोट सो गया, नोट प्रिंट, क्वाइन मिंट। एक और चीज, पहले सेशंस में नहीं बोला, आप में रिकॉर्ड होगी, आराम समझना, ये रूल है आरबीआई का। फिर मैंने कल बात करी थी, अगर आपको प्रोजेक्ट मिलता है, ये टॉपिक अच्छा है, बना सकते हो, कंटेंट में हेल्प कर दूंगा आपको, 20 नंबर का प्रोजेक्ट के नंबर मिलेंगे फाइनल्स में, अगर उसमें आरबीआई बना लेगी, सचिन सर हेल्प कर लेंगे। अच्छा सुन, इंडिया इंडिया में रूल है, इंडिया में क्या रूल है सुनना, हाँ ना का जवाब देना। आप क्वाइन में पेमेंट कर सकते हैं 1000 रुपए तक, क्वाइन में पेमेंट की लिमिट है 1000 रुपए, इसे बोलते हैं लिमिटेड लीगल टेंडर मनी, लिमिट लिमिट लिमिटेड लीगल टेंडर मनी। क्वाइन में पेमेंट 1001 इलीगल, 1000 रुपए तक की पेमेंट करता क्वाइन में चलेगा, 1001 हो गया इलीगल, तू भी फंसेगा, लेने वाला भी फंसेगा। बताता हूं, क्वाइन अंशुल ठीक रखी है, क्वाइन में लिमिट है। देखो अगर मुझे इसको परेशान करना है, सोचो एक लिमिट क्यों रखी गई है, ताकि परेशान, समझ गई ना, समझ गई, परेशान ना करें। अंशुल ये मेरा बिल्डर है, इसकी मेरी बिगड़ गई, मुझे प्रॉपर्टी की पेमेंट करनी 5 करोड़ रुपए, क्वाइन लेके आऊंगा, बुला ले अपनी माँ को, मेरी माँ को साले तोल लो, समझ गए? ओ हाँ या ना। इसलिए अगर दो बंदों की बिगड़ गई तो वो पेमेंट करेगा क्वाइन में। आओ आओ आओ, पेमेंट आइए, पेमेंट आइए, आओ ट्रक ट्रक ले चलो ले चलो, ताकि मैं तुझे परेशान ना करूं, इसलिए क्वाइन में लिमिट है। बहन ऐसा हुआ था, सैमसंग केस हार, इट इज ट्रू, गूगल कर ले, गलत नहीं, सैमसंग केस हार गया था, उसने एप्पल को पेमेंट करी थी 4 ट्रक क्वाइन, हुआ था, सैमसंग केस हार गया था, उसने एप्पल को पेमेंट करी थी 4 ट्रक क्वाइन, क्योंकि 1000 रुपए की लिमिट इंडिया में है, यूएस में नहीं, इट्स इंडियन रूल, यूएस में रूल नहीं है, 4 ट्रक क्वाइन लेना पड़ा था, वो भी कोर्ट में लेके आया था, सर ये पेमेंट आ गई है, जज कह रहा कहा है, कह रहा बाहर आओ, जज आया, दोनों पार्टी आई, सर ये रही पेमेंट। तो पता है गलती क्या हो गई, सुनना बेटा, इसलिए लॉ के साथ के, पता है गलती हो गई थी, एप्पल के लॉयर से बोलना चाहिए था, मुझे पेमेंट चाहिए बैंक में, चेक ड्राफ्ट ऑनलाइन, भूल गया तो ले ले ट्रक, हाँ 4 ट्रक क्वाइन, इंडिया में रूल है 1000 रुपए तक क्वाइन, ताकि परेशान ना करे, भगवान ना करे दुश्मन के साथ भी हो। सुनो फिर वही खुंदक फ्रस्ट्रेशन, दो बंदों का डाइवोर्स हो गया, वो उसको एलिमनी देगा क्वाइन में, जी दो बंदों का डाइवोर्स हो गया, वो एलिमनी देगा किस में, क्वाइन में, आ जा तू अपने पापा को बुला ले, माँ को बुला ले, आ जा गिन लो। इसलिए बेटा कि दो बंदे आपस को परेशान ना करें, बिल्डर परचेजर, एक्स हस्बैंड एक्स वाइफ, इसलिए बेटा क्वाइन में लिमिट है 1000, लेकिन लेकिन हम लोग परेशान कर सकते हैं, एक का नोट, नहीं समझी, एक का नोट, दो का नोट, लिमिट किस मंशुल
क्वाइन, लिमिट क्वाइन में। अगर मुझे सचिन सर तो है ही टेढ़े, अगर मुझे फिर भी टेढ़ापंथी दिखानी है तो मैं पेमेंट करूंगा एक का नोट, दो का नोट, पांच का, दस का, ट्रक भर के लेकर आऊंगा तो लेना पड़ेगा। इसलिए समझ गई लतिका, कभी भी पेमेंट लेनी हो बेटा, बफर पेमेंट लेनी हो, जज को बोल दियो ऑनलाइन। तू भूल गई, तेरा लॉयर भूल गया, मैं परेशान करूंगा, मैं तो हाँ मैं एक एक लॉ की बात बता रहा हूं ना बेटा। यस यू आर वुड बी प्रोफेशनल्स, कभी पेमेंट लेनी हो जज को बोलना सर मुझे ऑनलाइन पेमेंट चाहिए। क्वाइन नहीं, अगर वो नोट लाए एक के, दो के, पांच के, दस के, देखो मुझे अगर आपको 20 लाख की पेमेंट करनी है, मैं पांच पांच के नोट लेके आऊंगा तो पहले मैं भी तो परेशान होऊंगा, 5 लाख पांच के नोट मिलेंगे कहां से बोलो। तू तो बाद में परेशान होगी, पहले तो भाई मैं आऊंगा पांच के कहां से लेके आऊंगा, झंडे वाले मंदिर में जो बैगर्स बैठे होते हैं है? तो पहले तो मैं परेशान होऊंगा, बाद में तू परेशान है, लेकिन मुझे तो तुमको परेशान करना है, इसलिए ऑनलाइन पेमेंट। यस दो करियो, दो करेंसी आरबीआई नहीं करता, कौन करता है? फाइनेंस मिनिस्ट्री, फाइनेंस मिनिस्ट्री, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। कौन सी तिशा बेटा? एक का नोट और सारे क्वाइन, बाकी नोट आरबीआई। क्वाइन पे सिग्नेचर बोल दे सचा, नॉड योर हेड। क्वाइन पे सिग्नेचर नहीं होते, एक के नोट पे सिग्नेचर होते हैं, फाइनेंस सेक्रेटरी, फाइनेंस मिनिस्टर का पीए फाइनेंस सेक्रेटरी। दो, पांच, दस, बीस, पचास, सौ, दो सौ, दो हजार, पांच सौ पे गवर्नर के सिग्नेचर। ओके खंडेलवाल जी, बाकी पे गवर्नर के सिग्नेचर, गवर्नर के सिग्नेचर। ओके लास्ट पॉइंट, हर आराम से समझना, फिर मुझे लगता है कि मैंने अपनी बुक में एक्सप्लेन लिखा है। हर देश क्या करता है, पहले गोल्ड रखता है, अटेंटिव, हर देश गोल्ड रखता है, फॉरेन करेंसी रखता है, उसके बराबर नोट छापता है। गोल्ड 90% गोल्ड होता है, जो भी सपोज मैंने 500 करोड़ के नोट छापने हैं तो 500 करोड़ में 90% गोल्ड, 10% फॉरेन करेंसी। गोल्ड रखते हैं, फॉरेन करेंसी रखते हैं, उसके बराबर नोट छापते हैं। पर गोल्ड क्यों, फॉरेन करेंसी क्यों रखते हैं? 500 करोड़ का माल 500 करोड़ के नोट छपेंगे, 1000 करोड़ का माल 1000 करोड़ के नोट छपेंगे। एक का नोट क्वाइन, इनके लिए भी गोल्ड फॉरेन करेंसी। ओके ये जो फाइनेंस मिनिस्ट्री छाप रही है ना, एक का नोट क्वाइन, इसके बदले भी गोल्ड फॉरेन करेंसी। अब सुनना दीपांशु, सुन गोल्ड क्यों, आराम से रिप्लाई देना फेस टू फेस और ऑनलाइन वाले। भगवान ना करे हमारे यहाँ पे अर्थक्वेक, सुनामी, कोविड थर्ड वेव आ गया, हमारा देश बह गया, हमें अमेरिका फ्रांस से सामान मंगवाना है, हमें अमेरिका से वीट, राइस, कोविड की वैक्सीन मंगवानी है, क्या वो हमारा डेप्रिशिएटिंग रुपी लेगा? बोलो लेगा? मुसीबत के दिनों में तो मेरी वैल्यू टूटेगी, हाँ या ना भाई? अगर मेरे यहां पे अर्थक्वेक आएगा साला, मेरा रुपीस और नहीं टूटेगा, मुसीबत के दिनों में मेरा रुपीस और टूटेगा, क्या वो मेरे से डेप्रिशिएटिंग रुपी लेगा? नहीं, उसकी करेंसी मेरे पास है नहीं, तो वो क्या लेता है? गोल्ड। इंडिया गोल्ड दे दे चावल ले ले, इंडिया गोल्ड दे दे बेटा। मेरा ये मानना है कि ये गलत डिसीजन हुआ। सुनिए बहन, कितना बढ़िया ऑप्शन दिया था, थोड़ा पैसे का लालची है सर, आप भी हाँ ना का जवाब देने का, छोड़ो सर इसको, नहीं नहीं सुनो, फिर एक इकोनॉमिक्स बात कर रहा है। रशिया ने ऑफर दिया था कि जितनी पॉपुलेशन इंडिया में है सबको दोनों डोज लगनी है, मैं लगवा के दूंगा, मैं आपको वैक्सीन दे रहा हूं, इंजेक्ट भी लगवा के दूंगा, मुझे गोल्ड चाहिए। हमारे मोदी अंकल ने मना कर दिया। एग्जैक्टली यस, दिस वॉज द ऑफर फ्रॉम द साइड ऑफ रशियन गवर्नमेंट। कहते आपको बनाने की लोड नहीं है, सबसे बढ़िया बहन स्पुतनिक है, जो रशिया की वैक्सीन है जी, नंबर वन।
गुलाटी सर भी भटकते रहे, नहीं लगी, मैं भी कोवैक्सीन लगवा के आया हूं, पेड़ भी नहीं मिल रही। सबसे बढ़िया जो एक्यूरेसी है, जब आपको पता है सबसे बढ़िया एक्यूरेसी स्पुतनिक जो रशिया की है, सबसे पहले पुतिन ने खुद लगाई है, अपनी बेटी को लगाई है, सीरियसली खुद लगवाई और अपनी बेटी को, इससे बड़ा और क्या प्रूफ देगा। तो उसने बोला था कि इंडिया की जितनी पॉपुलेशन है सबको डबल डोज हम देंगे और वैक्सीनेट भी हम करेंगे, आपके पास बंदे ना मिट्टी पाओ, लेकिन हमको पता चाहिए गोल्ड, वही रिफ्यूज। मेरी प्यारी बहन, जान है जहान है, अगर कितने का गोल्ड चला जाता, 100 करोड़, 200 करोड़, वो क्या हमसे मांग रहा है अली बाबा 40 करोड़ खजाना? यार मेरे हिसाब से तुम भी रिप्लाई ठीक नहीं करा। अभी तक पूरा इंडिया वैक्सीनेट हो चुका होता, क्योंकि उसको पता है कि सब वैक्सीनेट होंगे तभी मुझे गोल्ड मिलेगा, बढ़िया बढ़िया करता इंडियन सरकार थोड़ा है ये। मैंने 11th में बात करी थी, मैंने क्या नाम रखा है, लतिका सरकार, जहां सड़क के कारण उसको सरकार बोलते हैं, वावा नहीं आई, हाँ सही बोला, जहां सड़क के कार्य क्या बोलते हैं सरकार, एज पर श्री 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 1008 स्वर्गीय नरकीय सचिव गुलाटी महाराज की जय के अनुसार। ये बिल्कुल देख ले बहन, 42 करोड़ हुए अभी तक वैक्सीनेट। तो इसलिए आइए आइए वापस। हम लोग क्या करते हैं, हम क्या, हर देश करता है, गोल्ड रखता है, फॉरेन करेंसी रखता है, उसको निकालेंगे इन केस ऑफ डिस्ट्रेस, मजबूरी के दिनों में निकालेंगे। गोल्ड रखा, फॉरेन करेंसी रखी, उसे निकालेंगे, सेंट्रल बैंक निकालेगा मजबूरी के दिनों में, वॉर हो गई, तहस नहस, अर्थक्वेक, सुनामी, कोविड, तो वर्ल्ड से जब हम सामान मंगवाएंगे, चीनी, चावल, गुड्स, तो क्या मेरा डेप्रिशिएटिंग रुपी लेगा? नहीं। उसकी करेंसी मेरे पास है? नहीं। तो वो मेरे से क्या लेगा बहन? गोल्ड। सुनना, मैंने 500 करोड़ का सामान मंगवाया, 500 करोड़ गोल्ड दे दिया अमेरिका को, वो गोल्ड रखेगा अपने पास, अपनी करेंसी छाप लेगा। ओके, ओ हाँ या ना, मेरे को फ्रांस ने जर्मनी ने सामान दिया, गोल्ड लिया, यार रिप्लाई दो यार, मजा नहीं आ रहा। फ्रांस ने जर्मनी ने सामान दिया, गोल्ड ले लिया, तो गोल्ड रख के उसकी ओम जय जगदीश हरे करेगा, वो रख के अपनी करेंसी प्रिंट कर लेगा, तो वो और पावरफुल बन गया, मैं और वीक बन गया। एग्जैक्ट बेटा, क्या हो गया बेटा, रशिया मेरे से अमीर बन जाता, मैं थोड़ा गरीब हो जाता, जान बचती बेटा, जान है जहान है, मैं नोट कम पूरी जिंदगी बड़ी नोट कमाने के लिए, लेकिन गोल्ड रख लो छाती पे, कब्रिस्तान में साथ लेके जाएंगे, शमशान भूमि में साथ लेके जाएंगे, गोल्ड हमको चाहिए, यही पॉलिसी है। एक मिनट, लाइव एग्जांपल, अभी ओलंपिक कहां हो रहा है, टोक्यो जापान, है ना, अभी टोक्यो में जापान में ओलंपिक हो रहा है, उस कोविड वहां पर भी है, उसने 5 लाख करोड़ इंडियन रुपीस के छापे अपने येन, 5 करोड़ नहीं, 5 लाख करोड़, 5 लाख करोड़ के येन छापे हैं, गोल्ड रखा है, ओके, ताकि वो पैसा सिस्टम में आएगा तो ये अरेंजमेंट करेंगे, 5, और वैसे भी इनकम तो टाइट चल रही है, कोई देखने तो आ नहीं रहा, टिकट विकट तो मारा मारी है भाई, बंदा टूरिस्ट आता है, काम धंधा बढ़ता है, नेशनल इनकम बढ़ती है, अग्रीड, टूरिज्म तो हो ही नहीं रहा, टीवी भी कौन देख लेगा, इतनी कमाई होती नहीं, अगर हम लोग फिजिकली जाते, टिकट बिकती, खाना पीना, होटल, कमाइयां, कमाई थल्ले, 5 लाख करोड़ के येन छापे हैं गोल्ड रखे जापान ने टू कंडक्ट दिस ओलंपिक। आरबीआई ये पूछ, हाँ आरबीआई, अच्छा एक बड़ी 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 प्लीज, आपको ये पूछना चाहिए, सर हमने कभी गोल्ड निकाला है किन? सर आपके और हमने गोल्ड रखा, इस समय जितना रुपीस इंडिया में है उतना गोल्ड पड़ा हुआ है, सपोज 50 लाख करोड़ का रुपीस वहां गोल्ड पड़ा हुआ है आरबीआई के पास, सर हमने क्या कभी निकाला भी गोल्ड मजबूरी के दिनों में? गिनियो,
इंडियन इकोनॉमी में जोड़ूंगा, 62 चाइना वॉर हम लोग गिर गए थे, गोल्ड निकालना पड़ा था, 65 पाकिस्तान वॉर, 71 पाकिस्तान वॉर, 1991 एलपीजी से पहले कारगिल वॉर 1999, 62 चाइना वॉर, 65 पाकिस्तान वॉर, 71 पाकिस्तान वॉर, 91 एलपीजी से पहले और 1999 कारगिल वॉर, इन ड्यूरिंग हमने गोल्ड निकाला है, बेचा है अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, नहीं इनमें बेचा हमने, और गोल्ड अच्छा निकाला है, वापस रखा भी होगा सर, हमने गोल्ड रखा, नोट छापा, गोल्ड की वैल्यू बढ़ गई तो क्या नोट और छापते हैं, गोल्ड की वैल्यू कम हो गई तो क्या नोट जला देते हैं, नहीं, वो आरबीआई का प्रॉफिट लॉस है। आज 27 को गोल्ड का जो भाव है, 27 जुलाई को गोल्ड का जो भाव है उसके बराबर नोट छापेंगे, गोल्ड का भाव बढ़े घटे वो आरबीआई का प्रॉफिट लॉस है, ऐसा नहीं होता गोल्ड का भाव बढ़ेगा नोट छापो, गोल्ड का भाव गिर गया तो नोट को डिस्ट्रॉय कर दो, ऐसा नहीं होता, लर्न कर लेंगे, डाउट नहीं क्लियर है, लर्न करेंगे, नोट क्वाइन कौन फाइनेंस जल्दी, नोट क्वाइन आरबीआई नहीं, फाइनेंस मिनिस्ट्री, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, बाकी नोट आरबीआई, क्वाइन पे सिग्नेचर होते हैं, बोले सच्चा नॉट योर हेड, क्वाइन पे सिग्नेचर होते हैं नहीं, एक के नोट पे किसके होते हैं, फाइनेंस सेक्रेटरी, बाकी नोट पे गवर्नर, ठीक है, हर देश पहले क्या रखता है, गोल्ड एंड फॉरेन करेंसी, बोलना सेंटर में जुबान पे लगाम, हर देश क्या करता है, गोल्ड रखता है, फॉरेन करेंसी रखता है, उसके इक्विवेलेंट करेंसी छापते हैं, 500 करोड़ का माल 500 करोड़ की करेंसी, 1000 करोड़ का माल 1000 करोड़ की करेंसी, गोल्ड फॉरेन करेंसी रखे बिना नोट छाप लिया, सरकार ने उधार चलाया, अंशुल सरकार ने आरबीआई को बोला सर गोल्ड देते हैं करेंसी देते हैं आप नोट छाप दो, ये भी होता है उधार भी होता है, आरबीआई गोल्ड देते हैं, मैं मोदी बोल रहा हूं, मैं फाइनेंस मिनिस्टर बोल रहा हूं, गोल्ड देते हैं फॉरेन करेंसी देते हैं, आप हमको नोट छाप के दे दो हम आपको गोल्ड दे देंगे 2 सालों में 3 सालों में, इसे बोलते हैं डेफिसिट फाइनेंसिंग, इसे बोलते हैं डेफिसिट फाइनेंसिंग, ओके, गोल्ड नहीं रखा, फॉरेन करेंसी नहीं रखी, करेंसी छपवा ली, कितने का गोल्ड है दे देंगे, गोल्ड का उधार फॉरेन करेंसी का उधार नोट छपवा लिए, इसे बोलते हैं डेफिसिट फाइनेंसिंग, क्या बोलते हैं बेटा, डेफिसिट फाइनेंसिंग, ठीक है जी, डेफिसिट फाइनेंसिंग, ओके सर लर्न हो गया, हर देश, अच्छा वो कल वो जो हम गोल्ड निकालते हैं दिवाली में, बर्थडे में, एनिवर्सरी में, कब निकालते हैं, डिस्ट्रेस, हर देश गोल्ड को निकालता है दिवाली, ईद, गुरुपुरब, डिस्ट्रेस, अर्थक्वेक, सुनामी, गोल्ड को बेचेगा अपने देश को, या वॉर के पोस्ट बाद में डिस्ट्रेस में गोल्ड निकालेगा, बेचेगा वर्ल्ड में, अपने देश को रिकंस्ट्रक्ट करेगा। अच्छा लतिका हमारा कौन सा पड़ोसी देश है, 8 1 मिनट सुन तो लेना यार, किसकी बात करो, हमेशा पड़ोसी क्या पाकिस्तान ही होता है, आप तो सुन, हमारा कौन सा पड़ोसी देश है, शायद 8-10 साल हो गए, अर्थक्वेक आया था तबाह हो गया था, नेपाल, याद होगा इतना छोटा भी नहीं था, है ना, हमारा पड़ोसी देश 8-10 साल हो गए, नेपाल में अर्थक्वेक आया था, तो अंशुल भाई नेपाल ने अपने आप को दोबारा बनाने के लिए वर्ल्ड में गोल्ड बेचा अपना 60%, 60 जो उसके पास गोल्ड पड़ा हुआ था बेचा, इतना तहस नहस हो गया था, गोल्ड बेचा गोल्ड बेचा गोल्ड बेचा, सामान आया तो अपने देश को दोबारा बनाया नेपाल ने, इतना बुरे तरीके से तबाह हो गया था, 60% वापस रख लिया होगा, फोन करके पता करेंगे नेपाल से कि तुम मोमोस बेचते हो या गोल्ड भी वापस रखते हो, आप पूछ लेंगे, ठीक है सर, अंशुल जी
बैंकर टू गवर्नमेंट, वो देख ऐसी आपकी मेमोरी होनी चाहिए, रजिस्टर पे पूरा लिखा हुआ है, यही चैप्टर ये यहां पढ़ा है, एक एक चीज याद है, रिकॉल कर रहा हूं, लिख रहा हूं, ऐसे याद करो, अगर रट्टा नहीं। सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट, तीनों का करंट अकाउंट आरबीआई के पास होता है, करंट अकाउंट प्लीज, सेंट्रल स्टेट लोकल तीनों सरकार का करंट अकाउंट मेरे पास होता है, करंट अकाउंट, सेविंग नहीं, फिक्स डिपॉजिट नहीं, करंट अकाउंट भाई। बैंकर कैशियर, इसका मतलब है, तभी मैंने पहले करवा दिया बजट चैप्टर, सचिन सर चालू, पहले बजट करवा दिया, गवर्नमेंट की कमाई जमा होगी मेरे पास, खर्च मैं दूंगा, ओके तो जब मैं तेरा इनकम ले रहा हूं तो खर्च के पैसे नहीं दूंगा, और आपको पता है तो ये गवर्नमेंट की कमाई यहां जमा होती है, गवर्नमेंट की कमाई जमा होती है, खर्च के पैसे देगा, कौन सी, सेंट्रल गवर्नमेंट का अलग अकाउंट है, पंजाब गवर्नमेंट, महाराष्ट्र गवर्नमेंट का अलग अकाउंट है, एमसीडी का, पंचायत का अलग अकाउंट है, किधर किधर सोना महापाप है हमारी क्लास में, सेंट्रल गवर्नमेंट का अकाउंट, स्टेट गवर्नमेंट का, लोकल का मेरे पास अकाउंट है, उनकी कमाई जमा होती है, खर्च देता हूं। अच्छा सुनो लतिका, गवर्नमेंट की कमाई पता है, टैक्स, फाइन, पेनल्टी, चलान, प्रॉफिट, वीजा फीस, पासपोर्ट फीस, यही तो गवर्नमेंट की रिसीट होती है, ओ हाँ या ना, है ना, गवर्नमेंट की कमाई क्या होती है, टैक्स, फाइन, पेनल्टी, चलान, प्रॉफिट ऑफ गवर्नमेंट कंपनी, और मैं खर्च मैं दूंगा, खर्च मेट्रो बनानी है, चलानी है, सैलरी, स्कॉलरशिप, कोविड के पैसे, राशन के पैसे, ठीक है सर, रिसीट आती है, खर्च जाते हैं, किसका, सेंट्रल, स्टेट, लोकल, किस अकाउंट, सेविंग ना, फिक्स डिपॉजिट ने, कौन सा, करंट अकाउंट, रिप्लाई मत देना ऑनलाइन वाले बच्चों, ऑनलाइन वाले बच्चों रिप्लाई मत देना बेटा, ठीक है, मामा का 100 नंबर आ जाएंगे, रिकॉर्ड टूट जाएगा तुम्हारी फैमिली में, किसी के 100 नंबर आए हैं इकोनॉमिक्स में, जी सर, नेक्स्ट, गवर्नमेंट को लोन देता है 90 दिन तक का, गवर्नमेंट को लोन देता है 90 डेज तक का, 90 के बियॉन्ड चाहिए, वर्ल्ड बैंक जा, आईएमएफ जा, 90 दिन, सरकार से गिरवी नहीं मांगता, ब्याज लेता है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट को लोन देता है 90 डेज, कभी 90 के बियॉन्ड चाहिए भाई, मैं तो 90 दिन तक कर दूंगा, हाँ अमाउंट की लिमिट नहीं है, पहले चेक तो करेगा ना, बोले दे मार को चाहिए 20 लाख करोड़, क्या करेगा, चांदी बार, जस्टिफाई तो करेगा ना, कितना दिन, 90 डेज, गिरवी नहीं मांगता गवर्नमेंट से, ब्याज मांगता है। अच्छा सो देखो, आरबीआई ब्याज क्यों ना ले, क्योंकि आरबीआई के तो खर्चे हैं, सैलरी, बिजली बिल, पानी का बिल, हाँ या ना भाई, आरबीआई खर्चे क्या बंगला साहब वाले पूरे करते हैं, वैष्णो देवी वाले पूरे करते हैं, नहीं तो आरबीआई के भी तो खर्चे हैं, इनमें से अपने खर्चे निकालेगा, ठीक है जी, सबसे बड़ी गवर्नमेंट सेंट्रल, छोटी स्टेट, छोटी लोकल, इसे बोलते हैं फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट, सबसे बड़ी सेंट्रल यूनियन, छोटी स्टेट, छोटी लोकल, इसे बोलते हैं तीनों गवर्नमेंट का मेरे पास अकाउंट होता है, कौन सा, करंट अकाउंट, तीनों सरकार की कमाई जमा होती है, खर्च देता हूं, कमाई मेरे पास, खर्च मैं देता हूं, ओके, गवर्नमेंट को लोन देता हूं कितने दिन का बहन, 90 के बियॉन्ड चाहिए, वर्ल्ड बैंक जाओ, आईएमएफ जाओ, मैं 90 दिन तक कर दूंगा, ओके, मुकुल गिरवी मांगता है ना, ब्याज मुझे ब्याज चाहिए भाई, मुझे भी अपने खर्चे उसमें से कवर करने हैं, ठीक, मैं और भी कमाई बताता हूं, आरबीआई की कमाई के सोर्स पूछ रही है जी,
अभी लिखेंगे, अभी लिखेंगे, लिखेंगे। नेक्स्ट, फॉरेन एक्सचेंज गवर्नमेंट को करके देता है, गवर्नमेंट को करके देता है फॉरेन एक्सचेंज। इसका मतलब क्या है सुन, आप बाहर घूमने जा रहे हैं, करेंसी बैंक से बदलवाते हैं, आप इंग्लैंड घूमने जा रहे हो, फ्रांस घूमने जा रहे हो, करेंसी कहां से बदलवाते हो, बैंक से, कमीशन लेता है। गवर्नमेंट का कोई बंदा ऑफिशियल ट्रिप पे जा रहा है, करेंसी मेरे से बदलवाएगा। मोदी अंकल जाते हैं बाहर टूर पे, पर्सनल टूर थोड़ा है, गवर्नमेंट का कोई बंदा ऑफिशियल ट्रिप पे बाहर जाता है, ऑफिशियल ट्रिप, पर्सनल नहीं, सेंट्रल स्टेट लोकल ऑफिशियल ट्रिप पे बाहर जाता है, करेंसी बदलवा के देगा आरबीआई एट पार, कमीशन नहीं लेता। बैंक वाले तेरे से कमीशन लेते हैं, लेकिन मैं आरबीआई गवर्नमेंट से 75 का डॉलर 75 दे दे, 80 का यूरो 80 दे दे, सरकार से कमीशन नहीं लेता। इसे बोलते हैं फॉरेन एक्सचेंज। क्या बोलते हैं? फॉरेन एक्सचेंज। जी चार्वी ठीक कह रही है, फॉरेन गवर्नमेंट का बंदा बाहर जा रहा है, पर्सनल ट्रिप ऑफिशियल ट्रिप, गवर्नमेंट का बंदा है, नेता है कोई भी है, चाहे तेरे पापा गवर्नमेंट एम्प्लॉई, वो बाहर जा रहा ऑफिशियल ट्रिप पे, तो करेंसी बदलवा के देगा आरबीआई एट पार, कमीशन ना 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 ना। ठीक है जी अंकल जी, पब्लिक डेट क्या लिखा बेटा? पब्लिक डेट, पब्लिक डेट। आप फिंगर भी गिनियो, आप गवर्नमेंट को लोन देते हो, सरकारी बैंक में, सरकारी बैंक में जो एफडी है, एलआईसी में जो एफडी है, वो उनकी लायबिलिटी एसेट्स है। आवाज नहीं आई, आवाज नहीं आई। सरकारी बैंक में एफडी, एलआईसी में तेरी एफडी, उनकी लायबिलिटी एसेट्स है। लायबिलिटी कभी ना कभी वापस करना है, थोड़ा हमारे पापा का राज, हम तो कभी वापस नहीं करेंगे, उनकी लायबिलिटी है। ठीक कह रहा हूं, प्राइवेट नहीं सरकारी, सरकारी बैंक में तेरी एफडी, एलआईसी में तेरा पैसा, और तेरे पापा का जो पीएफ कटता है प्रोविडेंट फंड, वो भी सरकार की लायबिलिटी है। ओके, एलआईसी में तेरा पैसा, सरकारी बैंक में तेरा पैसा, तेरे पापा का पीएफ का पैसा, प्रोविडेंट फंड, ये सब सरकार की लायबिलिटी है। इसे बोलते हैं पब्लिक डेट। क्या बोलते हैं बेटा? पब्लिक डेट। तो पब्लिक से कितना पैसा लेना है, कितना वापस करना है, किस टाइम पीरियड और कितना ब्याज देना है, ये सब मैं बताता हूं। क्या लिखा है? कितना पैसा लेना है, कितना वापस करना है, कितने टाइम पीरियड का, ब्याज क्या देना है, पब्लिक डेट, ये बताता है आरबीआई। कौन बताता है? गवर्नमेंट को। फिर हाँ ना का जवाब वो देंगे जिन्होंने ऑब्जर्व करा है। अंशुल हमने न्यूज में देखा होगा, न्यूज हर साल का अलग होता है, न्यूज में आता है इस साल का प्रोविडेंट फंड का ब्याज ये है, न्यूज में आता है इस साल का प्रोविडेंट फंड का ब्याज है 8.5। तो बेटे वो मोदी ने नहीं, वो आरबीआई ने डिसाइड करा है, मोदी ने नहीं बेटे, वो आरबीआई ने करा है। ओके, एलआईसी मार्केट से 500 करोड़ भी लेगी, मैंने डिसाइड करा है। इसे बोलते हैं पब्लिक डेट। क्या बोलते हैं बेटा? सरकारी बैंक में एफडी, एलआईसी, पोस्ट ऑफिस भूल गई, पोस्ट ऑफिस में जमा कराते हो नहीं कराते, आईसीआईसी मत भूल दियो, वो प्राइवेट हो गया। सरकारी बैंक में पैसा तेरा, एलआईसी, प्रोविडेंट फंड, ये हो गया हमारा पब्लिक डेट। पब्लिक से पैसा लेना है, वापस करना है, किस टाइम, ब्याज, ये सब आरबीआई बताता है। ओके विपुल, लास्ट लास्ट, मैं आरबीआई गवर्नमेंट का फ्रेंड, गाइड, फिलोसोफर। क्या लिखा बेटा? फ्रेंड, गाइड, प्लानर, फिलोसोफर, प्लानर, पैसों के मामलों में। मैं आरबीआई गवर्नमेंट का फ्रेंड हूं, गाइड हूं, फिलोसोफर हूं, फाइनेंस के मामले में, फाइनेंस के मामले में। सुन, इनकम टैक्स की मीटिंग हो रही है, फाइनेंस मैं बैठूंगा। नोटबंदी हुई थी, फाइनेंस आरबीआई से पूछी हुई थी, फाइनेंस मैटर। पाकिस्तान ने अटैक कर दिया, फाइनेंशियल मैटर नहीं है। कोविड की सिचुएशन बिगड़ रही है,
फाइनेंशियल मैटर, ये हेल्थ मैटर है. ओके बेटा, ओ हाँ ना, कोविड इट्स हेल्थ मैटर, रोड बनाना है हेल्थ मैटर, इनकम टैक्स फाइनेंस, जीएसटी फाइनेंस, नोटबंदी फाइनेंस, वर्ल्ड बैंक से लोन लेना है फाइनेंस. तो जो जो फाइनेंस की मीटिंग है मोदी के साथ मेरा बंदा जरूर बैठेगा, नहीं तो वो मीटिंग हो ही नहीं सकती सीरियसली, क्योंकि वो क्या मैटर है बेटा, फाइनेंस. समझ गई, इनकम टैक्स फाइनेंस, जीएसटी फाइनेंस, नोटबंदी फाइनेंस, अटैक कर दिया पाकिस्तान ने नॉट फाइनेंस, कोविड नॉट फाइनेंस, चाइना को जवाब देना मिलिट्री से नॉट फाइनेंस, वर्ल्ड बैंक से लोन लेना है फाइनेंस, आईएमएफ से लोन लेना है फाइनेंस. तो फाइनेंस की मीटिंग में आरबीआई ना बैठे मीटिंग हो ही नहीं सकती. तो इसको क्या बोलते हैं, फ्रेंड गाइड फिलोसोफर इन द मैटर ऑफ, इन द मैटर ऑफ फाइनेंस, राइट. ठीक है जी, रेडी रेडी. तुम्हारी नींद अभी खुलवाता हूं. दो मिनट है, दो मिनट. दोबारा कहानी पे आना है, दोबारा कहानी पे आना है. बैंक ऑफ इशू, करेंसी प्रिंट, फिंगर ऑन द चैट बॉक्स, आरबीआई एक का नोट नहीं छापता एंड एक का नोट नहीं छापता एंड कॉइन, एक का नोट, कितने का भी कॉइन, कौन छापता है, केजरीवाल, ममता बनर्जी, फाइनेंस मिनिस्ट्री, फाइनेंस मिनिस्ट्री, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. रिमेनिंग नोट आरबीआई, जल्दी रिमेनिंग नोट आरबीआई, क्वाइन पे सिग्नेचर होते हैं, क्वाइन पे सिग्नेचर होते हैं ना बाबा ना, क्वाइन पे सिग्नेचर नहीं होते. एक के नोट पे जल्दी कर दे, एक के नोट पे फाइनेंस सेक्रेटरी, एक के नोट पे फाइनेंस सेक्रेटरी के सिग्नेचर, बाकी पे गवर्नर, दो पांच बाकी जो नोट बच गए सिग्नेचर किसके, गवर्नर के, जो अभी शक्तिकांत दास है, शक्तिकांत दास है गवर्नर ऑफ आरबीआई, अभी शक्तिकांत दास है. कॉइन पे नहीं होते, एक पे फाइनेंस सेक्रेटरी के साइन, बाकी पे गवर्नर के साइन. मुंह चला, मना कर दूंगा नहीं तो, फेस टू फेस स्क्रीनशॉट, जल्दी स्क्रीनशॉट, जल्दी टेकन. नहीं बिल्कुल, क्योंकि वो करेंसी बंद थोड़ा हुई है, कम कर दिया ताकि पेड़ वेट ना कटे एक दो नोट के लिए, बिल्कुल बंद कर दोगे फिर वही. अब वाजपेयी की शादी है, नीचे एक का नोट लगाएंगे ना हार में, नहीं समझ गया. नहीं नहीं बेटे, माला तो हमने 5 लाख के नोट तो नीचे सगन 1 लाख, एक एक का नोट लगाएंगे, कॉइन तो स्टेपल हो नहीं सकता, समझ गई तू. जी जी टेकन, टेकन. दो चीज रखते हैं फिर नोट छपता है, जल्दी करेंसी, करेंसी नॉट, दो चीज रखते हैं गोल्ड एंड फॉरेन करेंसी, गोल्ड रखते हैं और फॉरेन करेंसी रखते हैं, उसके इक्विवेलेंट करेंसी प्रिंट होती है. सौ करोड़ का माल रखा, 100 करोड़ छपेगा, ओके. कब बेचेंगे, डिस्ट्रेस शब्द 3 बार बोल दिया याद नहीं हुआ, कब बेचेंगे इसकी शादी में, कब, डिस्ट्रेस
जब देश पे कोई मुसीबत आती है, डिस्ट्रेस के समय बेचा जाता है, डिस्ट्रेस के टाइम में बेचेंगे ये वर्ल्ड को, सामान मंगवाएंगे। स्क्रीनशॉट जल्दी, सेकंड ओके। बैंकर का मतलब कैशियर, बैंकर का मतलब कैशियर, सबसे बड़ी गवर्नमेंट सेंट्रल, देन छोटी स्टेट, देन छोटी लोकल। इन तीनों गवर्नमेंट का मेरे पास कौन सा अकाउंट होता है? करंट अकाउंट। तीनों गवर्नमेंट का कौन सा अकाउंट है मेरे पास? करंट अकाउंट होता है। करंट अकाउंट होता है आरबीआई अंकल के पास। तीनों गवर्नमेंट का क्या जमा होगा? रिसीट। क्या जाएगा? एक्सपेंडिचर। बोल दे, मैं फेल हो रहा हूं, तू फेल नहीं हो रहा। तीनों सरकार का क्या जमा होगा? रिसीट। क्या जाएगा? एक्सपेंडिचर। गांधी बाबा आएगा, जाएगा मेरे में से। आरबीआई टेक्स रिसीट एंड मेक्स पेमेंट। ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट को लोन देता हूं 50 दिन का, गवर्नमेंट को लोन देता हूं 90। गवर्नमेंट को लोन दिया जाता है 90 दिनों के लिए। गिरवी मांगूंगा? गिरवी मांगूंगा ना। कोलेटरल ना। ब्याज अहो, ब्याज यस। स्क्रीनशॉट जल्दी, खंडेलवाल साहब टेकन। जी अच्छा, वो क्या था? गवर्नमेंट का बंदा बाहर जाता है तो करेंसी बदल के देता है, फॉरेन एक्सचेंज फंक्शन। थैंक यू। क्या बोलते उसको? पर्सनल ट्रिप पे नहीं, ऑफिशियल ट्रिप पे कोई बंदा जा रहा है तो वो करेंसी बदल के देगा आरबीआई, एट पार कमीशन लेगा। उसे बोलते हैं गगन भाई फॉरेन एक्सचेंज फंक्शन फॉर तीनों गवर्नमेंट, एट पार कमीशन नहीं लेता। ठीक है, वो क्या था? पब्लिक से लोन लो वापस करो, पब्लिक डेट। पब्लिक से लोन लो वापस करो, क्या बोलते हैं उसको? पब्लिक डेट। पब्लिक डेट इन द फॉर्म ऑफ पीएफ, एलआईसी एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो पब्लिक डेट पे कितना अमाउंट लेना है, वापस करना है, किस टाइम पीरियड का, और उस पे ब्याज, ये सब मैं बताऊंगा मोदी को। ये देख अंशुल, कितना अमाउंट ले रहा है, कितना वापस करना है। थैंक यू, दिल खुश हो गया। पता नहीं किस बच्चे ने पूछा है, नाम ऊपर आ गया, पूछ रहा है जो ओलंपिक में प्लेयर बाहर गए हैं। हाँ, जिसने पूछा है दीपांशु अरोड़ा साहब, आपके लिए अरोड़ा साहब आई एम इम्प्रेस्ड, आपको नंबर पहले मिलेगा परिणीति चोपड़ा का। वेरी गुड, आपको नंबर पहले मिलेगा परिणीति चोपड़ा का। ठीक है जी, यस, मना नहीं कर रहा, कह रहा यस और कमीना जी। परिणीति चोपड़ा सम थे बेटे पहले, ये पूछ रहे जो ओलंपिक हमारे प्लेयर बाहर गए हैं, करेंसी बेटा ये कंट्री को रिप्रेजेंट करने गए हैं, तो कमीशन इसको करेंसी बदल के दिया आरबीआई ने एट पार। ओके, समझ गया। ये जो प्लेयर बाहर गए हैं ओलंपिक्स में, ये गवर्नमेंट का ट्रिप है,
देश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो बदला है आरबीआई से एट पार। थैंक यू दिवांशु। अमाउंट लेना, वापस करना, टेन्योर, इंटरेस्ट ऑन लोन। फ्रेंड, गाइड, फिलोसोफर, फिलोसोफर का मतलब हैगा प्लानर। किस मामले के लिए? फाइनेंशियल मैटर। फ्रेंड मैं, गाइड मैं, फिलोसोफर मैं, किस मामले में? फाइनेंशियल मैटर। टैक्स की कोई मीटिंग है, मेरा बंदा बैठेगा। वर्ल्ड बैंक के साथ मीटिंग है, डीमोनेटाइजेशन हुआ था। हाँ बेटा, वो टैक्स में आ गया, टैक्स, वर्ल्ड बैंक के साथ डीमोनेटाइजेशन, ये सब फाइनेंशियल मैटर्स होते हैं। ओके, स्क्रीनशॉट जल्दी। दिशा, फॉरेन एक्सचेंज, पब्लिक डेट, फ्रेंड, गाइड, फिलोसोफर। टेकन। CRR, SLR, कॉम्बो, भूल गए लास्ट चैप्टर में, भारत माता की जय। CRR, SLR का कॉम्बो, LRR, वेरी गुड प्रिपरेशन। ये मैं फेल हुआ बेटा। कैश रिजर्व रेशो, क्यों याद है, भूल गए, कैश रिजर्व रेशो, स्टैचुरी लिक्विडिटी रेशो, कैश रिजर्व रेशो, स्टैचुरी लिक्विडिटी रेशो, कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड LRR। ध्यान रखना, नेक्स्ट क्लास से 5 मिनट पहले आएंगे, लेट नहीं, ठीक है जी। बाय बाय, बाय बाय, क्लास वाइंड अप, बाय बाय, क्लास वाइंड अप, गुड नाइट, टेक केयर।